राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा का निमंत्रण सोनिया गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे ने जैसे ही ठुकराया, कांग्रेस के नेता राम मंदिर के खिलाफ प्रोपेगेंडा करने लगे। जयराम रमेश ने कहा कि मंदिर के नाम पर बीजेपी आरएसएस की ब्रांडिंग कर रही है, तो किसी दूसरे ने मंदिर को अधूरा बताकर प्राण प्रतिष्ठा को ही गलत बता दिया। फिर एक दूसरे नेता सामने आए और बोला कि गलत मुहूर्त में प्राण प्रतिष्ठा की जा रही है, ये सब चुनाव के लिए है। इंडी गठबंधन के संजय राउत तो चार कदम आगे निकल गए और कह डाला कि मंदिर तो असली जगह से 3-4 किलोमीटर दूर बनाया गया है। लालू यादव और उनके नेताओं ने तो हद ही कर दी और इतना सब हो जाने के बाद अयोध्या जाने का कांग्रेस के लिए कोई मतलब ही नहीं बनता, लेकिन चुनाव है इसलिए उसे अयोध्या भी जाना है। फुटेज चुनाव प्रचार के लिए चाहिए, इसलिए कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय दल बल के साथ कांग्रेस का झंडा लहराते अयोध्या मंदिर में दर्शन करने पहुंच गए। कांग्रेसी झंडा और राहुल गांधी जिंदाबाद के नारों के साथ मंदिर जाने की कोशिश कर रहे इन लोगों पर जनता का गुस्सा फूट पड़ा। नाराज लोगों ने इनके साथ हाथों से कांग्रेस का झंडा छीन लिया, सबको खदेड़ दिया। दोनों गुटों के बीच जारी तकरार को देखकर पुलिस को बीच बचाव करना पड़ा, तब कहीं जाकर मामला शांत हुआ और अजय राय अपने लोगों के साथ वापस लौट गए। लोगों का कहना था कि जब कांग्रेस ने निमंत्रण ठुकरा दिया तो वो पार्टी का झंडा लेकर यहाँ क्या साबित करने आए थे। इस घटना से कांग्रेसियों में जबरदस्त रोष फैल गया। इस दौरान मौके पर मौजूद अयोध्या की महिला कांग्रेस जिलाध्यक्ष रेणु राय ने कहा कि हमारे लोग यहाँ रामलला का दर्शन करने आए थे, कुछ अराजक तत्वों ने हमारी पार्टी का झंडा छीन लिया और उनके साथ गाली गलौज शुरू कर दी। कांग्रेस कार्यकर्ताओं से मारपीट की कोशिश की गई, जय श्री राम का नारा लगाकर दुर्व्यवहार किया गया। रेणु राय ने कहा कि ये मंदिर किसी एक की पार्टी का नहीं, ये मंदिर सभी का है। घटना के बाद कांग्रेस नेताओं का जमावड़ा मौके पर लग गया, कांग्रेस की ओर से हंगामा और नारेबाजी शुरू हो गई। कांग्रेस के खिलाफ भी कुछ लोगों ने एकजुट होकर नारेबाजी की। उनका कहना है कि यहां राम मंदिर या देश का झंडा लेकर आना चाहिए, कांग्रेस का झंडा लेकर आने की क्या जरूरत है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज ऑफ इंडिया।